पश्चिम उत्तर प्रदेश में अवैध हथियारों की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ते हुए उसके पास से 3 पिस्टल बरामद की है। आपको बता दें कि पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम सोहेल उर्फ सन्नी है, जो पिछले काफी समय से अवैध हथियारों की तस्करी कर उन्हें मेरठ सहित आसपास के इलाकों में बेचने का काम कर रहा था। ये गिरोह पहले मुंगेर से बने हथियारों को खरीदता और फिर अपने ग्राहकों को उनकी फोटो मोबाइल पर भेज उनसे सौदा करता था। फिलहाल क्राइम ब्रांच और मेरठ सिविल लाइन थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से इस गिरोह के सोहेल को पकड़ते हुए उसके पास से मुंगेर की 3 बनी पिस्टल भी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में इस गिरोह के कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए हैं, उनकी भी धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। क्राइम स्टोरी के लिए सुरेश दहिया की रिपोर्ट। पर है बट ये एक तस्कर पकड़ा गया है जिसका नाम सनीर सोहेल है, जो खरखौदा का रहने वाला है, और इसे क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से 3 पिस्टल बरामद हुई है। जो अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है इससे पूछताछ से, ये मुंगेर की बनी हुई है और बेसिकली ये केवल मेरठ में ही नहीं इसकी सप्लाई करता था बल्कि मेरठ के आसपास के जनपदों में भी इसकी सप्लाई होती थी। कुछ और भी नाम प्रकाश में आए हैं जो इस संपूर्ण सूचना तंत्र से जुड़े हुए हैं, किंतु उनका नाम विवेचना के हित में नहीं बताया जा सकता है। बाकी इनको जेल भेजा जा रहा है और निबिधिक कार्रवाई संपादित।